तो फाइनली 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 दोस्तों आर के प्रोडक्शन ने निकाल ही दिया भाई, निकाल ही दिया, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, हनुमान का टीजर। और हनुमान का टीजर देखने के बाद भाई साहब मजा ही आ गया। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले सब्सक्राइब हो, और फिर डिस्कस करेंगे इस टीजर के बारे में और कितना मजा आया इसको देखने के बाद। हेलो दोस्तों, तो हाल ही फिलहाल इस टीजर को रिलीज करने के लिए भी एक इवेंट रिलीज करा गया था, जिसमें सारे के सारे हॉलीवुड के सुपर हीरोज झुक के खड़े थे, और झुक के खड़े हुए थे क्योंकि ही इज द वन ऑफ द प्रीशियस मेरे बॉस हनुमान, जिनके आगे झुकना तो बनता ही है गाइस। दोस्तों प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत प्यारा टीजर निकल के आता है हनुमान, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत सिनेमैटिक है। शुरुआत ही राम भगवान के नाम से होती है यार, मतलब शुरुआत को जो पहले सीन में जो हनुमान जी की जो स्टैचू दिखाया हुआ है यार, बहुत सुपर है यार, मेरे को देख के ही गूज़बम्स आ गए थे। उसके बाद उसके कुछ ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स, जैसे कि वो वाटर वाला शॉट हो गया, उसके बाद क्या नाम है आगे वो हेलीकॉप्टर वाला शॉट, मत भूलना हेलीकॉप्टर वाला शॉट हो गया। उसके बाद वो सबसे नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ जो हीरोइन भी यार फाइटर निकली यार इसमें तो, और दूसरी जो लास्ट सीन जिसमें मैं देखने के बाद तो मैं कम से कम 30-40 बार उस सीन को देखा, हनुमान वाला सीन जब बर्फ के इतने बड़े पहाड़ के अंदर राम का नाम ले रहे हैं, इज़ द वन ऑफ द फेवरेट सीन एवर इन दिस टीजर। तो दोस्तों इस मूवी का कॉन्सेप्ट इस तरह रहेगा कि समुंदर में एक ऐसा अंश रह जाता है हनुमान जी का, जो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी उनकी ताकतें मौजूद होती है। तो एक ऐसा शख्स जिसको वो अंश मिलता है और उसे उनकी ताकतें मिलती है, और साथ ही जब कहते हैं ना जब ताकत आती है तो ताकत पाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग उसको जुड़ जाते हैं लेने के लिए, तो उस ताकत के पीछे कितने लोग पड़ेंगे वो इसमें दिखाया जाएगा। और साथ ही एक अलग विलन भी है इसमें शो कराया गया, जिसके चेस्ट पे एम लिखा हुआ है, वी डोंट नो कौन है वो, ही इज द पावरफुल और नॉट पावरफुल डिपेंडेड ऑन द मूवी। यार मूवी में हम सिर्फ अभी प्रेडिक्शन कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मूवी का जो व्यू है फर्स्ट लुक है गूज़बम्प्स वाला है गाइस। अभी तक के लिए इतना ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मूवी में यही कुछ हो सकता है। आगे मूवी की रिलीज डेट भी नहीं आई है, सिर्फ अभी कुछ डिटेल्स दी गई है कि। तो दोस्तों इस मूवी को हिंदी तेलुगु कन्नड़ और इंग्लिश में रिलीज करी जाएगी, और हालांकि इसका एक बहुत वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शनाइज करा जाएगा, और देखते हैं क्या रिव्यू आता है। तो दोस्तों बाकी और बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस करने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये फील कराएगी कि यार कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल है ब्रो, और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ऑडियो के हिसाब से एक सिनेमेटिक टच दे रखा है जो कि प्रशांत वर्मा ने इसमें काम कर रखा है। यार देखने के बाद भी फील आ रहा है कि यार हाँ काम हुआ है एक्चुअलिटी, और ये 500 करोड़ में नहीं बनी है गाइस, सबसे बड़ी बात ये 500 करोड़ में नहीं, और 500 करोड़ का बजट लेने वाली मूवी तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होगी, हम उसका भी इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये हनुमान का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लगता है मुझे कंटारा की तरह आगे जाएगा यार, कंटारा ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके हिसाब से ये भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और देखते हैं कितना कुछ होता है। मैं इसके लिए आगे भी टीजर्स लेके आऊँगा, अगर ट्रेलर आएगा तो उसका भी रिव्यू देंगे। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब।